use the formula a plus b whole square. So this is x square plus 4 minus 4x minus, this is x square plus 4 plus 4x. Now this is x square plus 4 minus 4x. नेक्स्ट ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर सारे साइंस आपके चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अर्शप्रीत म्यूट योर सेल्फ बेटा, आप जो कैंसिलेशन हो रही है वो आप कैंसिलेशन कर दो। सो वी हैविंग एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया, फोर एंड माइनस फोर कैंसिल आउट हो गया, वॉट वी आर लेफ्ट विद इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एट एक्स। अब हमें इसमें निकालना है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं। सो पुट माइनस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो अपॉन माइनस एट, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज जीरो। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू हम जीरो पुट करते हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी जो वैल्यू है दैट विल बिकम जीरो। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। सार्थक म्यूट योर सेल्फ, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो आपने इसमें फाइंड आउट करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग दैट इज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग केसेस। सिंपल ये भी इसी तरीके से है, आपको पॉलिनोमियल गिवन है 3 माइनस 6x, यू आर टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस। पूर्वी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, पॉलिनोमियल हमें गिवन है 3 माइनस 6x, हाउ टू फाइंड द 3 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप मैम, माइनस 6x इक्वल्स टू माइनस 3। माइनस 6x इक्वल टू माइनस 3, वेरी गुड मैम। x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन माइनस 6 मैम, 1/2। या x इज इक्वल टू 1/2, सो हाफ विल बी अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप लोग ही बताओगे मुझे, वन बाय वन यू विल म्यूट योर सेल्फ। भविष्य आपका माइक अनम्यूट है तो यू विल टेल मी दिस। नाउ डोंट म्यूट योर सेल्फ, आई एम गिवन द पॉलिनोमियल पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वाई प्लस वन, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू। आप मुझे पहले सिंपली पी ऑफ जीरो बताएंगे। आई थिंक ही हैज लेफ्ट द मीटिंग। आई कैन सी वन हैंड रेज। आयान अनम्यूट योर सेल्फ। आयान अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी दिस आंसर। ओके ईवा, यस मैम, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन। यस, जीरो माइनस जीरो प्लस वन प्लस वन, या दैट इज इक्वल टू वन। ओके नेक्स्ट अर्शप्रीत मैम, मैं कैन आई स्पीक? आयान चलिए बताइए पी ऑफ वन। मैम पी वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस वन, एंड द आंसर इज वन। आंसर इज वन, वन एंड माइनस वन विल गेट कैंसल्ड, योर आंसर विल बी वन। ओके आश, नेक्स्ट पी ऑफ टू। यस मैम, टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन प्लस वन इक्वल्स टू फोर माइनस टू प्लस वन, व्हाट इज दिस इक्वल टू? थ्री। थ्री, सो दिस इज योर आंसर, पी ऑफ टू जो है आपके पास आया दैट इज इक्वल टू थ्री। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यस
Diya, you will tell me this question. P of x is equal to x square minus 4x plus 3. And we are to evaluate P of 2 minus P of minus 1 plus P of half. देखो ये सारे जो हैं questions आपके अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने change कर दिया. किस way में ये आपका change हुआ कि अब उन्होंने जो ये values हैं ये किस हिसाब से दे दी, साथ में plus minus का sign लगा के हमें दे दी. हमें P of x given है x square minus 4x plus 3. अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें P of 0, P of 1, P of 2, P of minus 2 सिर्फ वो वैल्यूज निकालते थे. अब हमें क्या करना है, वैल्यूज निकाल के उसको इसमें पुट करके वी आर टू फाइंड आउट द आंसर. इसकी वैल्यू जो है वो हमने इवेल्युएट करना है. यस दिया मैम, P of x इज गिवन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टेकिंग x इज इक्वल टू 2. तो P of we put x 2 square 2 square minus 4 multiplied by 2 plus 3 4 minus 8 plus 3 minus 4 plus 3 minus 1 minus 1. तो P of 2 की value आ गई हमारे पास minus 1. Yes, next. Taking x value as minus 1, minus 1 square, minus 4 multiplied by minus 1, plus 3. Plus 3. 1 plus 4, plus 3, 8. So P of minus 1 aa gaya hamare paas 8. Next. Taking value of x as 1 by half. Taking x's value as half, half square, minus 4 multiplied by half, plus 3. Very good. 1 by 4, minus 2, plus 3. So this is equal to? Taking LCM as 4, 1. Minus 4 plus plus minus 1 minus 8 minus 8. Yeah, 8 plus 12 plus 12. So this is equal to minus 13 minus only 5. Yeah, 5 upon 4. अब इसमें हमने ये values put करनी है. We have P of 2, P of minus 1 and P of half. So this implies minus 1. Minus 1. Minus 8. Plus 5 by 4. So this is equal to taking LCM as 4 minus 4 over minus 32 plus 5 minus 4 minus 32 plus 5 upon 4 minus 36 plus 5 minus 31 minus 31 over 4. 4 is your answer. Very good. So this is your answer. Now moving on to the next question. अब थोड़ा सा अलग टाइप लेंगे हम. ये नोट डाउन कर लो जल्दी से. Then I'm going to take the next question. इसमें सिंपली आप जैसे वैल्यूज निकालते थे P of x की, दैट वैल्यूज यू हैव कैलकुलेटेड, और यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन गिवन था उसमें पुट करके यू हैव कैलकुलेटेड योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट करने हैं. डिफरेंट हमें वैल्यूज इनकी गिवन है. First of all, we are given p of x is equal to x minus 1, x minus 2 into x plus 3. We are to find the zeros of this polynomial. Ashmit, board is not visible. Board is not visible. Just a moment. चलिए, p of x is equal to x minus 1 into x minus 2 into x plus 3. Any one of you, Ashmit, will you try? देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मैं कहूंगी इसको ये है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे फैक्टर्स उन्होंने बना के दिए हुए हैं. कल हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसमें हम क्या कर रहे थे, पहले इसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, देन हम इंडिविजुअली हर फैक्टर को इक्वल टू जीरो पुट कर रहे थे. यहाँ ऑलरेडी मुझे फैक्टर्स गिवन है, थ्री फॉर्म है फैक्टर्स की, तो इट मीन्स थ्री जीरोस विल बी देयर. तो उसके लिए दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म. तो इंडिविजुअली हर टर्म को आपने क्या करना है, इक्वल टू जीरो पुट कर देना है एंड यू विल गेट द जीरोस ऑफ दिस पॉलीनोमियल. तो यहां से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, यानी कि 1 ऑफ द जीरोस ऑफ p ऑफ x इज 1. देन यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2. अगेन सेकंड जीरो ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 2 एंड हियर यू आर हैविंग x इज इक्वल टू -3. So third zero of the given polynomial is -3. So जब इस तरीके से already वो factors की form में given है, तो what you are to do, put the factors individually, हर एक को अलग अलग आपने zero के equate करके x की value find out कर लेनी है. So now next we are having expression को हम solve नहीं करेंगे. No need to solve. X minus one. You need not, क्योंकि उसमें अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके करोगे तो दोबारा फैक्टर्स तो आपको बनाने ही पड़ने हैं. तो जब ये हमें ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में गिवन है, तो हमें अगर जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो हर एक्सप्रेशन को इंडिविजुअली इक्वल टू जीरो पुट करके फाइंड आउट द जीरोस. क्लियर? द नेक्स्ट वन आई एम हैविंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5. हाँ जी, कौन बताएगा ये? भाविश, यू हैव ज्वाइंड अगेन, विल यू ट्राई या दोबारा मीटिंग लीव करनी है? जब आपकी जो है सेंटर वाली टर्म मिसिंग है, एक्स वाली टर्म मिसिंग है, तो वर्क और इजी हो जाता है, क्योंकि हमें फैक्टर्स नहीं बनाने, वी विल डायरेक्टली गेट द रिजल्ट. यस अर्शप्रीत. Yes, ma'am. X square minus 5 equals to 0. Yeah, put a p of x equal to 0. So you are having x square minus 5 equal to 0. X square equals to 5. X equals to root 5. अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा आपने, जब आप, क्योंकि अब आप 9th स्टैंडर्ड में हो गए हो, जब आप zeros फाइंड आउट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, जब रूट ले रहे हो तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज लेके चलनी. ठीक है, अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेते थे. अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव और माइनस दोनों वैल्यूज लेनी है. क्यों लेनी है? बिकॉज रूट फाइव स्क्वायर इज 5 एंड रूट माइनस 5 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 5. ठीक है, इन दोनों का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 5. तो जब आप यहाँ पे जीरोस वाले क्वेश्चंस में रूट ले रहे हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ले रहे हो, तो यहाँ वाली जो वैल्यू है, जब आप उसका रूट लोगे तो आगे प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है, यानी कि x इज इक्वल टू रूट 5 भी हो सकता है, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर इज 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 भी हो सकता है
क्योंकि माइनस रूट फाइव का स्क्वायर इज ऑल्सो फाइव. तो ये ध्यान रखना है आपने कि वैल्यू पॉजिटिव भी लेनी है और नेगेटिव भी लेनी है जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे. गॉट इट? इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. एक और क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं. आई एम हैविंग पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन. बॉयज में से भी बेटे कोई आंसर दे दिया करो, हमेशा गर्ल्स ही आंसर देती हैं. हाँ जी, बॉयज में से एनीवन विलिंग कैन रेज द हैंड. हरनूर विल यू ट्राई अनम्यूट योरसेल्फ? हरनूर, हरगुन, एक तो वैसे कैमरास ऑफ करके बैठते हो और ऊपर से नो रिस्पॉन्सेस गिवन. प्रगुन, प्रगुन अनम्यूट योरसेल्फ, अदरवाइज मैंने सबकी एब्सेंट मार्क कर देनी है कि ये बच्चे नहीं थे क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे. Ritul and Shubham has not connected with the microphone. मैम ये वाला नहीं आता. क्यों? क्यों नहीं आता? आपने सिंपली क्या करना है, जब जीरोस फाइंड आउट करने हैं और एक्स वाली टर्म आपकी मिसिंग है बीच में से, तो व्हाट वी आर टू डू, सिंपली पुट दैट इक्वल टू जीरो. जैसे इस केस में किया है, हमारा एक्स वाला टर्म मिसिंग था तो हमने क्या किया, इसको इक्वल टू जीरो पुट करके आंसर निकाल लिया. अब ट्राई करो इसको, मैं आई विल हेल्प यू आउट. ट्राई करो इसको, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम कैन आई आंसर? यस. फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो. या पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो. 4x square equals to 1. Hmm. अच्छा, mute yourself. x square equals to x square equals to 1 by 4. Hmm. x equals to root of 1 by 4. Root of 1 by 4. Sign साथ ही लगाना है. Either plus or minus. Yeah, plus or minus. So this is equal to 1 root is? 1 and 4 root is 2. So your answer will be plus or minus 1 by 2. ठीक है जी. Boys, I hope now this will be clear to you. जब आपकी x वाली term बीच में से missing है, quadratic की form में given है, आप उसको directly equal to 0 put करो and then square root लेके positive और negative दोनों values में root लेना है. यहाँ पे भी हमारी x वाली टर्म मिसिंग थी तो हमने क्या किया, डायरेक्टली उसको इक्वल टू जीरो पुट किया. नो नीड टू मेक द फैक्टर्स, उसको इक्वल टू जीरो पुट करके यू विल फाइंड आउट द आंसर. एक और इस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 9x square minus 16. अब बॉयज, नाउ आई होप यू कैन आंसर. प्रगुन, विल यू ट्राई नाउ? हरगुन, हरनूर, फिर गर्ल्स के हैंड्स दिख रहे हैं. ओके, रमनीक, चलिए बताइए. यस मैम, 9x square minus 16 is equal to 0. Put p of x equal to 0. 9x square is equal to 16. X square is equal to 16 upon 9. X is equal to root 16 upon 9. Sign नहीं भूलना है. Plus minus. Minus. हाँ जी. तो रूट 16 एंड रूट 9. रमनीक म्यूट कर लीजिए.
मैम x equals to minus or plus 4 by 3. और क्वेश्चन ले रहे हैं इसी टाइप का बट सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा उसका. लेट अस सपोज आई एम हैविंग दिस एज 25x स्क्वायर प्लस 16. दिया, रमनीक और अर्शप्रीत के अलावा एनीवन एल्स? अर्चिता विल यू ट्राई? कैन आई ट्राई? हां जी बिल्कुल बोलिए. मैम 25x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0. यस वेरी गुड. 25x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16. x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 25. बस इसके बाद अब ध्यान से सुनो. यहां तक आपका क्वेश्चन का वे सेम था, ठीक है. अब यहां देखो, दिस इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर और इधर वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में आ रही है. कैन द स्क्वायर ऑफ अ नंबर बी नेगेटिव, यस और नो? एक नंबर के स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आ सकती है? नो मैम. No, ma'am. क्या लिखें फिर इसका आंसर? 16. क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर का रूट नहीं किया हुआ. अब जब ये स्क्वायर ऑफ अ नंबर आ गया इक्वल टू नेगेटिव, आप यहाँ लिख दोगे विच इज इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, अब स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इट मींस नो. आगे बीच में एक वर्ड ऐड कर लेना, रियल जीरोस. क्योंकि बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि इसके इमेजिनरी जीरोस हो सकते हैं, बट अब आपके लेवल पे अगर हम बात करें तो नो रियल जीरोस. तो इसके जीरोस जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. आयान अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल टेल. ओके मैम. चलिए 3x square minus 49. 3x square minus 49 is equal to 0. Very good. 3x square is equal to 49 plus 49. हाँ जी. x square is equal to 49 over 3. अब ये positive है तो आगे आप बताएंगे. Taking square root on both sides. Taking. X की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस. माइनस. यहां क्या लिखूं, रूट लिया जब मैंने तो दिस विल बिकम 49/3. प्लस और माइनस दोनों लगाने हैं आपको, ठीक है. अब बताइए क्या आएगा इसका रूट, क्या आएगा 49 का? 49 यस 7 अपॉन में रूट 3. सो दिस विल बी योर आंसर. यानी कि जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर प्लस में 7 अपॉन रूट 3 एंड माइनस में 7 अपॉन रूट 3. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ मूविंग ऑन. रूट 3 हम ऐसे 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट 1 बाय 3. हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो ऐसे. 7 रूट 3 अपॉन 3 लिख सकते हो. रैशनलाइज करके यू कैन राइट डाउन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास. शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11 हैज नो जीरो. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 11 हैज नो जीरो. जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, अब अगर हम इसको वैसे चेक करें
तो इसका डायरेक्ट जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमारे पास फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। आप इसको देखो तो सम 6 प्रोडक्ट 11, अगर आप 11 के फैक्टर्स बनाते हो तो दैट इज 11 एंड 1 ओनली, उनका सम इज 12, डिफरेंस इज 10, दैट विल नेवर बी इक्वल टू 6। तो ये इस मेथड से आपने नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम इस वे में स्प्लिट कर लेते हैं कि ये वाली टर्म जो है मतलब स्प्लिट करके जब आप लिखो तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बने। तो अब अगर मैं इसको देखूं, दिस कैन बी रिटन एज एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 को अब हम स्प्लिट कर रहे हैं 6x को, 2 इंटू ए के लिए मेरे पास x है, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 6x के इक्वल हो जाए, 2x को, yes, 2x को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6x के। अब बी स्क्वायर के लिए देखो, दिस इज 2, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये मैंने ए लिया इसको, अब बी की वैल्यू क्या है 3, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो इट मींस 3 का स्क्वायर चाहिए यहाँ पे मुझे, तो दैट इज 9। अब 11 में से 9 मैंने यहाँ ले लिया, बाकी कितना बच गया 2, तो इट मींस मैंने यहाँ सेकंड स्टेप में क्या किया, व्हाट आई हैव डन हियर इज मैंने 11 को स्प्लिट कर लिया 9 प्लस 2 में, और ये 9 कहाँ से आया मेरे पास, इन दो टर्म्स के अकॉर्डिंगली आएगा मेरे पास, कि इन दो टर्म्स में मेरे पास x वाला जो है वो 2ab की फॉर्म बननी चाहिए और पहले वाला जो है वो a स्क्वायर वाली फॉर्म बननी चाहिए। तो अब ये मैंने रीराइट किया 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 9 को मैंने लिख लिया 3 का स्क्वायर, और साथ में मैंने इसका ले लिया प्लस 2। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज 2ab। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जो हमने 11 को स्प्लिट किया उसे हमने बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। हाँ जी, 11 को मैंने ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट किया कि एक नंबर मेरा कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बने जिसको इनके साथ इंक्लूड करके मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला सेट हो जाए। ठीक है, गॉट इट। अब इन तीनों को लो, ये फॉर्मूला बन रहा है मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये वाला प्लस 2 एज इट इज। अब नेक्स्ट बताओ स्टेप क्या होगा, मुझे शो करना है दैट इट हैज नो जीरोस। जीरोस फाइंड आउट इक्वेटिंग इट टू जीरो, क्योंकि x वाली टर्म अब मिसिंग है, तो पुटिंग दिस इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा मेरे पास, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। अगेन वही कंडीशन बन गई, ये वाली स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज नेगेटिव, जो हमें पता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। So the given polynomial has no zeros. एक क्वेश्चन और इस तरह का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 19 शो दैट दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस। अब अगेन देखो ये ए स्क्वायर बन रहा है मेरा, 8x को मैंने 2ab की फॉर्म में लिखना है, 19 की स्प्लिटिंग करनी है। यस लवलीना,
लवनीना विल यू ट्राई, या हैंड आपका पहले ही रेज था. दिया मैम x स्क्वायर प्लस 2x मल्टी 2 इनटू x इनटू 4 प्लस 4 स्क्वायर यस व्हिच इज 16 यस 4 स्क्वायर इज 16 एंड प्लस 3 यानी कि मैंने इसको रीराइट किया x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस 3 ये 16 मुझे मिला यहां से a स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इंटू अब मैं 2x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 8x मिले तो आई नो 2 4 जा 8 मल्टीप्लाई किया अब यहां पे 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 क्योंकि ये मुझे 19 से मैं चेंज नहीं कर सकते तो आई होप दिस वन इज क्लियर अब नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटे x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस इक्वेटिंग इट टू 0 इक्वेटिंग दिस टू 0 x plus 4 whole square is equal to minus 3 and a negative square of a number can never be negative so it has the polynomial p of x has no zeros yeah bilkul theek hai ab yahan pe aage aap same reason doge as square of a number can never be negative so the given polynomial has no zero same aapka question yahan pe with negative sign bhi aa sakta hai तो जहां नेगेटिव साइन आएगा तो फिर माइनस टू ए बी वाला आपका फॉर्मूला बनेगा बस ये ध्यान रखना है अगेन यहाँ बेशक नेगेटिव है बेशक पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव सो द गिवन पॉलिनोमियल हैज नो जीरोस तो ये आपका मतलब जो कैलो की टाइप थी आपकी न्यू वन है जो बुक में हमारी नहीं थी तो यू आर टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ वो आप ट्राई करोगे अगर इन केस बेल हो जाती है तो यू विल ट्राई दिस एट होम टुमारो आई विल चेक हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल टू बेल हो गई है राइट डाउन द स्टेटमेंट क्विकली p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ माइनस 2 प्लस p ऑफ 3 सेकंड पार्ट है इसका p ऑफ 2 upon p of 1 and the third part is p of minus 1 upon p of minus 3 you can take the screenshot ताकि अगर किसी का नोट डाउन ना हुआ तो यू कैन नोट डाउन सो थैंक यू हैव अ नाइस डे